नमस्कार, मैं डॉक्टर सतीश शर्मा, DHMS। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम माइग्रेन के बारे में बात करते हैं। माइग्रेन यानी कि आधा सीसी का सर दर्द, जो किसी भी साइड हो सकता है, राइट साइड भी हो सकता है, लेफ्ट साइड भी हो सकता है, और किसी भी उम्र में हो सकता है, क्योंकि इसकी कोई उम्र नहीं है। मेनली कई बार तो दर्द इतना ज़्यादा तेज हो जाता है कि आदमी रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पाता, शोर बर्दाश्त नहीं कर पाता, चक्कर आने लगते हैं, जी घबराने लगता है, या फिर घबराहट सी महसूस करता है, बेचैनी रहती है। तो माइग्रेन की प्रॉब्लम अक्सर जो है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहने के कारण, मानसिक तनाव की वजह से हो सकती है, चाहे वो तनाव घरेलू हो, बिजनेस का हो या जॉब का हो। किसी भी तरह का मानसिक तनाव ज़्यादा रखने की वजह से अक्सर माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ आजकल की जो भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, जिसमें ना तो कोई हमारा सोने का समय फिक्स, और ना ही कोई जगने का समय फिक्स, और ना ही खाने पीने का कोई टाइम रहता है, क्योंकि बस भागम भाग में लगे हुए हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। जबकि अगर हम अपना एक रूटीन बना लें कि हमें इस समय सोना है, इस समय उठना है, उठकर थोड़ी देर योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, या मॉर्निंग वॉक के लिए जाएंगे, तो उससे माइंड काफ़ी हद तक फ्रेश रहता है। और जब माइंड फ्रेश रहेगा तो माइग्रेन की प्रॉब्लम में काफ़ी आराम मिलता है। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा ठंडी और खट्टी चीज़ें बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि माइग्रेन की प्रॉब्लम के अंदर ठंडी और खट्टी चीज़ों से माइग्रेन में बढ़ावा मिलता है। मेनली होता क्या है, नसों में स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से माइग्रेन की प्रॉब्लम पैदा होती है। तो इसके लिए गाय का अगर घी मिल जाए तो उसकी भी सिर पर मालिश की जाए तो उससे काफ़ी आराम मिल जाता है। सुबह सुबह गर्म पानी का सेवन करना भी काफ़ी फायदेमंद रहता है। अगर इतना करने के बाद लगता है कि भाई प्रॉब्लम फिर भी है, तो मैं एक होम्योपैथिक की दवा बता रहा हूँ। दवा का नाम है फोरहेड प्लस BC12। ये टैक्टिस इंडिया का गवर्नमेंट अप्रूव्ड फार्मूलेशन है और इमामी ग्रुप के होम्योपैथिक वेंचर द्वारा मैन्युफैक्चरिंग दवा है। दवा कॉम्बो पैक में रहती है। इसमें दो तरह का दवा रहता है, पीने के लिए फोरहेड ड्रॉप्स, जिसकी 20-20 बूंद दवा की एक कप पानी के अंदर मिलाकर दिन में 4 बार पीनी होती है, और इसके साथ बायोकेमिक नंबर 12 की टैबलेट होती है, जो 4-4 गोली दिन में 3 बार चूसनी होती है। दवा को बीमारी के आधार पर कम से कम 2-3 महीना जरूर लेना चाहिए। दवा के साथ खुशबू वाली चीज़ें नहीं लेनी है, जैसे कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन, इलायची, सौंफ, हींग, कॉफ़ी, यह बहुत ज़्यादा ठंडा और खट्टा ना लें। अधिक जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर भी नोट कर सकते हैं, 8285742000। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।